किसान साथियों नमस्कार, मैं राजूराम राठौड़ तहसील बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान से आज आपको मैं फिर से आपको घर बैठे एक नए किसान का अनुभव। युवा साथी हैं हमारे गांव के, हैं हमारे नज़दीक के हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जीरे की खेती के बारे में जैविक विधि से जीरा कैसे लें, इसमें क्या क्या रोग आते हैं और इसका जैविक निदान कैसे करें, ये सारी गतिविधियों को समझकर संपर्क किया और इस बार इन्होंने जीरा लगाया जो आप इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्यारियों में। इन्होंने धनिया भी लगाया, सह फसली भी हो गई। इन्होंने जो जीरा की फसल लगाई आप देख रहे हैं, ये पहली बार पूर्ण रूप से जैविक है। ये हर रोज हमारे टचअप में रहते हैं और हम जो उत्पाद इनको बताते हैं समय समय पर हम यहाँ आकर देखते भी हैं। देखने का परिणाम और इनकी मेहनत और लगन का आप इनके खेत में देख रहे हैं। आप देखिए, युवा साथी स्वयं दुकानदारी के साथ साथ खेती भी करते हैं और खेती में जो इन्होंने जीरा लगाया और ये जीरा जैविक तरीके से है। अब इन्होंने इसके अंदर क्या क्या उपयोग किया ये आपको बताएंगे, जीरे में कितना पानी दिया ये बताएंगे और कौन से जैविक उत्पाद का उपयोग किया जो कि ऐसा जीरा इनके हैं। मैं इनसे आपको मिलवाता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जय माता जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर है सर। सुमेर जी, आप जैविक खेती में कब से आए हैं? मैं पहले कुछ दिनों से 2 साल से कर रहा हूँ, पर हम पूर्ण तरह में जैविक खेती में 1 साल से आ रहा हूँ। आपने इस बार पूर्ण रूप से जैविक खेती चालू की है। इस बार आपने जो जीरा लगाया जो आप किसान भाइयों मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुमेर जी ये बीज जो आपने लिया है, बीज की बुआई के बाद क्या क्या उत्पाद इसके अंदर आपने उपयोग किए? मैंने बीज बोई, जैसे राजू राम जी ने वो वीडियो डाला था कि आप अंकुरित कैसे करते हैं, इसके साथ वो पानी में डालना, जीरे को कुछ देर सूखा के रखना, फिर उसको छांटना। उसके बाद मैंने वेस्ट डीकम्पोजर के साथ इनको पानी के साथ वेस्ट डीकम्पोजर और अदरक का रस दिया था। अदरक का रस आपने स्प्रे में दिया या जमीन में दिया? जमीन में दिया। जमीन में दिया, उससे आपको क्या परिणाम रहा? उससे ये परिणाम रहा कि एक तो जीरे के अंदर जो ग्रोथ आती है वो एकदम बढ़ने लगी और जड़ गलन की सेहत बहुत कम गई। किसान साथियों देखिए, हमने आपको जीरे का जब भी जिक्र आया तो सब किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि जीरे के अंदर जड़ गलन, तना गलन, विल्ट, उकटा, झुलसा और कई तरह के अन्य रोग जैसे चेपा, माहू, ऐसे रोग हो जाते हैं। तो अब तक जब तक इन्होंने जीरा लगाया वहाँ से अब तक जीरे की दूसरी तीसरी फ्लावरिंग आ चुकी है। इस जीरे के ऊपर अभी तक इस बार इन्होंने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ये पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और पूरा बता नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जैसे आपको हिंट दे ही दिया कि अदरक का पानी इन्होंने ज़मीन में दिया। ज़्यादा दूरी नहीं है हमारे फार्म से, हमारे गाँव से ही है, हमारे समधी जी भी हैं। तो इन्होंने पहले पानी में बीज को उपचारित करने के बाद, बीज को उपचार करने के बाद इनको खेत में लगाया। खेत में लगाने के बाद पहले जो सुचारू सिंचाई कर रहे हैं, पहले पानी से ये अदरक का पानी बार 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 जमीन में देते रहे हैं और वेस्ट डीकम्पोजर देते रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस खेत में पहले से ही सल्फर की मात्रा अच्छी है। तो सुमेर जी ने इसमें तीन पानी दिया। अब ये पानी भी नहीं मांगता है क्योंकि पिछले 3 दिन पहले जो बरसात हुई इसकी नमी गहरी चली गई। अब साथियों देखिए, बरसात ज़्यादा आने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई है जड़ गलन की, क्योंकि जीरे को सबको पता है नमी ज़्यादा नहीं चलती और पौधे कितने घने हैं, कितने पास पास है, इसकी वजह से धूप तो अच्छी मिल रही है पर जमीन तक पूरी धूप नहीं जा रही है और नमी इसके अंदर ज़्यादा है। और पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो बरसात आई उसके बाद ओस भी ज़्यादा गिर रही है तो जीरे में थोड़ी सी हल्की सी जड़ गलन की शिकायत है। अगर आप भी इस तरह कर रहे हैं, जीरे की ग्रोथ और जड़ गलन, आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरे की ग्रोथ में आपको क्या उत्पाद मिलाना है अगर जैविक मिलाना है।
अदरक का पानी आपने पहले कई वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने और कई किसान भाइयों ने बनाए अदरक के घोल का जिक्र किया है। अदरक के घोल के साथ इस बार अगर आपके पास महुआ का अर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देशी दारू मिलाकर इसका स्प्रे करें जिससे कि आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अंदर आप देखेंगे फूटान अच्छा है, कल्ले अच्छे हैं, जीरे की रौनक अच्छी है। आसपास के किसान सुमेर जी बताएंगे आपको कि आसपास के किसान क्या कहते हैं इस जीरे के बारे में। सुमेर जी बताइए। सर, हमारे बीरे और आसपास के लोग आते हैं और देखते हैं कि यार आपने ऐसा क्या डाला। तो मैंने कहा मैंने पहली बार ही जैविक खेती की है और मेरे घर पे पहले मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं यार क्या कर रहा था, क्या बना रहा बार बार। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे राजू राम जी की सलाह से काम किया। फिर मेरे पापा भी देखते हैं यार रास्ते में इस बार जीरा भी अच्छा बोई हुई है। अच्छी बात। देखिए जब आप कोई भी चीज़ घर में शुरुआत करते हैं जो पहले अंग्रेजी दवाओं के अनुसार चलते हैं, जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो कुछ अटपटा सा, कुछ अलग सा लगता है। कुछ अलग सा भले ही लगे पर उसका परिणाम इस तरह आए, 1.5 बीघे में जीरा आए। सुमेर जी अब तक आपने इस जीरे में कितना पैसा खर्च किया? सर, मैंने खाली बीज अंकुरित किया है, हाँ वही बीज मेरे मामा जी से लेकर है। अच्छा, बीज मामा जी से लिया, कोई बात नहीं, लेकिन दवाओं का पैसा कितना खर्च सर, किया? कुछ नहीं सर, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नाम मात्र, अदरक ली, गुड़ लिया, गोमूत्र लिया, मेरे घर पे ये सारी चीजें आपके घर पे। अच्छी बात है। देखिए एक युवा सुमेर जी, आपकी उम्र क्या है? मेरे सर 22। 22, 22 साल की उम्र से ही जीरे में जो अच्छी सफलता पहली बार पाई, अच्छी बात ये कि हमारे से टाइम टाइम पे जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुपों से जुड़े हुए हैं और हर रोज़ नई अपडेट को ये देखते हैं, उसके अनुसार ये चीज़ बनाते हैं और उसका परिणाम आप ये देखिए। जिधर भी कैमरा घूम रहा है उधर जीरा अच्छी स्थिति में है, एक भी पौधा मुरझाया हुआ नहीं है। ज़्यादा नमी होने के कारण थोड़ी सी इनको दिक्कत आई, इनके मन में डर है कि कुछ अलग न हो जाए, कुछ नुकसान न हो जाए। आज मैं फिर से इनके खेत में आया, देखकर मुझे अच्छा लगा, मैं भी संतुष्ट हूँ और हर एक किसान संतुष्ट हो जैविक खेती करते हुए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आप भी जैविक खेती कर आएंगे। धन्यवाद।